आज वाले मैच को देखने के बाद आप एक ही बात बोलने वाले हो, पारस भाई आप जल्दी ही बैन होने वाले हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको लास्ट में पता चलेगा। अब उतरते ही यहाँ पर मुझे गन मिल जाती है, ऑटो नहीं थी इसलिए मैं सामने की तरफ भागता हूँ एंड तभी मुझे साउंड आता है कोई तो है। जैसे मुझे सामने बंदा दिखता है मैं अंदर की तरफ आता हूँ, तभी मुझे फिर से साउंड आता है कि सामने की तरफ भी कोई है एंड यहाँ पर मुझे तीन चार बंदों के साउंड आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे पता चलता है मॉन्स्टर मार रहा है उसे एंड मुझे पता था वो भागेगा, इस वजह से मैं टीपीपी लेने लग गया था एंड इजिली इस वाले बंदे को मार देता हूँ। अब सामने की तरफ से मुझे साउंड आ रहा था इसलिए मैंने सोचा चलो एक नेड करते हैं। अब यहाँ पर मैं नेड करता हूँ, मुझे लगा ना बंदा भाग जाएगा, तो यहाँ पर मुझे लगा बंदा भाग जाएगा नेड की वजह से। अब वो बंदा भागता ही नहीं है, होता क्या है मैं सोचता हूँ मोली करूंगा, तभी यहाँ पर मैं मोली पकड़ के जैसे ही यहाँ पर आता हूँ बंदा कोने में ही था। एंड आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, बंदा कितना टेलीपोर्ट हुआ, अचानक से ही मेरे सामने आ गया और मुझे दिखा ही नहीं भाई बंदा, नहीं तो मैं मारता तो सही, बट यहाँ पर गेम के ग्लिच की वजह से मैं मर गया। अब होता क्या सीन है, इस वाले मैच में फिर भी हमारा चिकन डिनर होने वाला है, इस वाले मैच में अपने किल्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड मैं बैन होने की बात क्यों कर रहा था वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले उतरते एक अच्छी सी लोकेशन पे, अब बिल्कुल एंड में ही मैं उतर जाता हूँ जहाँ से प्लेन पाथ स्टार्ट होता है एंड यहीं पर टेम्पल अभी उड़ने वाला था हवा में एंड उसके बाद निकलता, तभी मुझे बंदा दिखता है यहाँ पर देखो सामने। एंड जैसे ही मुझे बंदा दिखता है मैं सोचता हूँ इसे मारूंगा, उस बंदे को मेरे बारे में नहीं पता था, वो आराम से लूट करके बोट को मारने के लिए आएगा, देखो बोट दिखा मुझे। एंड जैसे ही वो बोट को मारने वाला था तभी मैंने उसे मार दिया एंड बोट को मारने के बाद अपने हो गए थे यहाँ पर 3 किल। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी लूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं सेफ नहीं खेलने वाला, तो थोड़ी सी लूट करते हैं एंड इधर से निकलते हैं। अब थोड़ी सी लूट करने के बाद यहाँ पर मुझे AKM मिल जाती है, AKM के साथ मैं खरीद लेता हूँ एक मैगजीन बड़ी वाली, वहीं पर शॉप थी। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टेंपल के पास, क्योंकि टेंपल अभी पहली लोकेशन पे पहुँचा था जहाँ से बंदे ऊपर जाते हैं टेंपल में, तभी मुझे एक बंदा दिखता है। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था ये ऊपर जाने की प्लानिंग करके आया एंड यहाँ पर मैं गोल गोल घुमाने लग जाता हूँ एंड जैसे ही ऊपर जाता है हवा में इसकी पेटी चमका देते हैं। अब जब भी आपके साथ ऐसा कोई सीन हो कि आपके सामने कोई बंदा हो ऊपर जाने के लिए, उसे ऊपर जाने दो, हवा में जाके जो 2-3 सेकंड के लिए वो अटकता है ना उस टाइम पे मारो, तभी मुझे साउंड आता है कोई तो बंदा है सामने की तरफ। मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा था तो मैं सामने की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा था बंदा शायद जहाँ पर पाथ है ना वो उड़ने वाला वहां पर होगा। मैं जब देखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कोई भी नहीं दिखता है, जब मैं शैक के पास आता हूँ तभी मुझे हल्का सा बंदा दिखता है एंड जैसे ये बंदा दिखा यहाँ पर मैं एक प्यारा सा नेड करूंगा एंड गिफ्ट के तौर पे ये नेड मिलता है सामने वाले को जाके। एंड सही बताऊं तो ये वाला गिफ्ट सामने वाले बंदे को काफी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस वाले मैच से उसकी छुट्टी कर दी, लॉबी में पहुंचा दिया ताकि वो आराम से अपना नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर सके। अब यहाँ पर मैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगा ही रहा था तभी मुझे पीछे की साइड एक बंदा भागता हुआ दिखता है जो कि एक बोट था, उस वाले को मारते हैं एंड जिसको हमने गिफ्ट दिया था उसकी पेटी लूटने के लिए मैं आ जाता हूँ एंड इसकी पेटी से थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं एंड इधर से निकलते हैं और बंदों की तलाश में। 6 किल अपने हो गए थे, अब यहाँ पर से निकलते हैं और अभी देखो आगे क्या करते हैं हम। अब सेफ तो मैं खेल नहीं रहा था इसीलिए मुझे एक ड्रॉप दिखता है तो मैं सीधा ड्रॉप पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर कोई भी ड्रॉप लूटने नहीं आता, पता नहीं क्यों, बट मैं काफ़ी देर तक ड्रॉप के आसपास घूमता रहता हूँ ड्रॉप लूटने के बाद भी कि कोई आएगा लूटेगा तो मैं उसे मारूंगा, बट कोई आता ही नहीं है एंड उसके बाद मैं इधर से भी निकल जाता हूँ। अब सही बताऊं तो पिछले 2-3 मिनट से मैं बंदों की तलाश में घूम रहा हूं, बंदे मुझे मिलते ही नहीं है, तभी मुझे एक बंदा दिखता है जो कि कूद रहा था। अब मुझे लग रहा था ये मुझे देख के कूद रहा है, बट ये मुझे देख के ही कूद रहा था बट किसी और के सामने कूद रहा था, क्यों पता है, यहां पर आपको एक गाड़ी दिखेगी अपग्रेडेबल, मैं आता हूं मेरे पे फायर होता है एंड जैसे ही ये बंदा फायर करता है मैं इसे मार देता हूँ, ये अपना सब्सक्राइबर था। अब अच्छी बात ये है ये दोबारा से आएगा क्योंकि इसके पास अभी टाइम था रिकॉल होने का एंड तभी सामने बंदा, ये बंदा भी अपना सब्सक्राइबर था, मुझे लग रहा था ये मुझे देख के कूद रहा है बट ये इस वाले बंदे को देख के कूद रहा था, इसे लग रहा था ये पारस ऑफिशियल है क्योंकि उसके पास अपग्रेडेबल गाड़ी थी। अब यहाँ पर काफी देर मैं इस वाले बंदे से बात करता हूँ एंड जिसे हमने अभी मारा जो एंड में कूद रहा था, पहले तो उसने फायरिंग की एंड जैसे ही मैंने फायरिंग की वो बोलने लग गया पारस भाई पारस भाई, तब तक वो मर चुका था। अब वो बंदा आता है वापस, उससे भी हम बातचीत करेंगे, होता क्या इस वाले मैच में मैं बैन होने की बात क्यों कर रहा था वो आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पर एक हैकर बैन होने वाला है क्योंकि आप देखोगे अभी सिर्फ 2 जोन बने हैं और 26 बंदे बचे हैं, बहुत जल्दी लोबी खाली हुई थी। अब होता क्या सीन है वो आपको मैं दिखाता हूँ, सब्सक्राइबर से थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ पहले।
अब यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर के साथ आराम से बातचीत कर ही रहा था, तभी मुझे बैन का नोटिस आता है, एक बंदा बैन होता है। एंड मैं काफ़ी खुश होता हूँ कि शुक्र है जो हैकर था वो बैन तो हुआ, बट मुझे लग रहा था इस वाले मैच में दो हैकर हैं तो एक हैकर अभी भी बचा हुआ था। होता क्या सीन है वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम आराम से लेटे हुए थे तभी मुझे साउंड आता है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तभी ये बंदा कूद रहा था, टॉप पे जाता हूँ मैं। एंड तभी ये बंदा अंदर आके बोलता है मैं वही हूँ जिसको तुमने मारा था। नहीं नहीं नहीं, इसको इसको बता, hello, इसको hello, बता hello. भाई। हेलो भाई, हेलो 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 भाई बिग टर्न। तो इस वाले बंदे से भी मैं बातचीत करने लग जाता हूँ। नहीं हम दो ही हैं, दोनों के पुष्टे पा रहे, दोनों के पुष्टे पा रहे। तो मुझे लग रहा था तीसरा कोई और बंदा भी है यहाँ पर इन दोनों के अलावा। मैं ऊपर गया था इसकी वजह से आ रहा हूँ। तो बंदा बोलता है शायद मैं ऊपर गया था इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि एक और बंदा है, बट यहाँ पर कोई नहीं हमारे अलावा। भाई मेरी है वो, मैं आया हूँ रिकॉल होके आया हूँ अभी। तो बंदा बोलता है वो गाड़ी मेरी ही है, मैं रिकॉल होके आया हूँ जिसे तुमने अभी मारा था। अरे मैंने आपको देखा, मैं कूदने लगा, मेरे को लगा कोई और है। तो इस बंदे ने पहले मेरे पे फायर किया था, फिर मैंने फायर करके इसे मारा था, मेरे को लगा कोई और बंदा आया है, मैं इसलिए मार रहा था। तो ये बंदा बोलता है कि मुझे लगा कोई और है, आप नहीं हो, इसलिए मैं मारने की कोशिश कर रहा था। जब आपने मुझे मारा तो पता चला कि आप पारस हो, जब तक मैंने कपड़े भी देख लिए थे। अब इन दोनों से मैं बातचीत करने लग गया था, उसके बाद क्या होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब काफी देर तक हम तीनों बातचीत करते रहे, काफी सारी बात की हमने। एंड उसके बाद मैंने बोला चलो जोन में निकलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दो गाड़ियां थी, तीन बंदे थे, अब जोन में कैसे जाना था वो सबसे बड़ी बात थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है तीनों हम एक ही गाड़ी में चलते हैं, बट मैंने इन्हें ये बोल दिया था कि टीम अप करके हम किसी को नहीं मारेंगे, तुम फायर मत करना, मुझे फायर करने देना, जब मैं मर जाऊं उसके बाद ही तुम फायर करना। अभी आप अपनी आंखों से देखोगे कि भाई इन्होंने किसी पे फायर नहीं किया। अब होता क्या सीन है, जब हम जा रहे थे तभी मुझे साउंड आता है कोई तो गाड़ी आ रही है अपने पीछे, मैं उतर के मारने की कोशिश करता हूँ। बग्गी बग्गी मार लो आप, मारो। बंदों ने क्या बोला, मार लो आप, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हें बोल रखा था तुम फायर मत करना। अब देखना ये फायर करते हैं या नहीं। ये रहा भाई, मारो। अब यहाँ पर हुआ क्या सीन, मेरा स्कोप इतना क्यों हिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने जोली को अपनी आईडी दी थी, वो मेरे घर पे आया था, अगर आपने मेरी कल वाली पारस ऑफिशियल की वीडियो देखी होगी तो कल मैं अपनी आईडी दिखा रहा था, मैंने इन्वेंटरी की वीडियो डाली थी पारस ऑफिशियल चैनल पे। तो कल वो मेरे घर आ रखा था, तो उसने बोला ना पारस मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे दे, मैंने ना लाइव स्ट्रीम करनी है अपने चैनल पे, तेरे आईडी से खेलना चाहता हूँ। मैंने बोला चल ठीक है आईडी पासवर्ड ले जा। अब वो आईडी पासवर्ड ले गया, उसने सेंसिटिविटी के साथ छेड़छाड़ की होगी, तो मेरी सेंसिटिविटी पूरी हिल चुकी है, स्कोप मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब हो क्या रहा है मुझे नहीं पता, बट आज मैं इसे सेट कर लूंगा। अब हम तीनों आ जाते इस वाले शैक पे, एंड यहीं पर हम होल्ड करने लग जाते हैं, 19 बंदे बचे थे, एंड जब तक जोन अपने ऊपर है तब तक हम यहीं पर होल्ड करेंगे, उसके बाद इधर से निकलेंगे। अब जो जोन है वो काफी आगे बन गया था, मतलब ज्यादा भी आगे नहीं था, 90 मीटर के आसपास जाना था, जोन ही इतना छोटा था। तभी अपने पे फायर होता है, एक बंदा यहाँ पर आके होल्ड करके बैठा हुआ था पेड़ के पास, जैसे हम निकलने वाले थे उसने हमें मारना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब किस्मत देख रहे हो, अगर वो नेड कर देता उसको 3 किल मिल जाते, क्योंकि हम शैक के अंदर तीनों थे। अब यहाँ पर किसी तरीके से इस वाले बंदे को मारा, इस वाले बंदे को मारने के बाद अपने में से कोई भी नहीं मरा था, हम तीनों जिंदा थे। तो यहाँ पर मैं हेल्थ लगाता हूँ, इन दोनों को बिठाता हूँ, इधर से निकलते जोन में। अब जोन में आ जाता हूँ मैं इस वाली लोकेशन पे, क्योंकि यही मुझे सेफ लग रही थी। एंड यहाँ पर बंदा घर में है। अब इस वाले बंदे को भी मैं इजिली मार देता हूँ, क्योंकि टाइम पे मैंने देख लिया था। यहाँ पर अभी हम तीनों बचे हुए हैं, तीनों में से कोई नहीं मरा। अब सामने की तरफ बंदा था जो कि नेड कर रहा था, मुझे हल्का सा ग्लिच से दिखा, मैं भागा। एंड मेरी एचपी देखो भाई, सबसे पहले हेल्थ लगाते हैं, फिर इस वाले बंदे को हमने कैसे मारा वो देखना। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, हमने आगे की तरफ काफी सारे स्मोक कर दिए थे, और अपनी गाड़ी यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर लेके निकल जाता है। मैं पैदल जोन में निकलने वाला था, तो यहाँ पर मैं पैदल निकलता हूँ, सब्सक्राइबर जोन में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं भी जोन में निकलता हूँ, एंड यहाँ पर देखना क्या सीन होने वाला है, यहाँ पर और भी सब्सक्राइबर अपने को मिलने वाले हैं। मतलब यार तबाही हो जाती है इस वाले मैच में, एंड बैन का रीजन भी यही है। होता क्या सीन है, देखो मुझे साउंड आता है कि आगे वाले घर में कोई है, तो मुझे कंफर्म था कि आगे वाले घर में कोई है, बट अपने वाले घर में कोई है या नहीं मैं वो साउंड लेने की कोशिश कर रहा था।
बट जब मुझे लगता है कि अपने वाले घर में कोई नहीं है तो यहां पर मैं एक नेड़ पिन करता हूं जिसका मुझे साउंड आ रहा था, उस वाले बंदे पे मैं नेड़ करता हूं। एंड ये रहा प्यारा सा गिफ्ट सामने वाले बंदे के लिए, एंड पसंद आया होगा किंग भाई को ये वाला जो मेरा ग्रेनेड है। एंड यहां पर अपने हो गए थे 10 किल। अब 10 किल होने के बाद यहां पर देखना क्या सीन होता है। मुझे साउंड आता है कि सामने वाले जो ब्रोकन वॉल है ना वहां पर कोई तो है, तभी मुझे साउंड आता है कि कोई आ रहा है अपने नीचे से। मैं एक नेड करता हूं एंड वो बंदा शायद डैमेज भी हुआ होगा, यही बंदा था जो आ रहा था जिसका मुझे साउंड आया। अब ये भी अपना सब्सक्राइबर निकलता है एंड आखिरी वाला बंदा भी अपना सब्सक्राइबर निकलता है। तो यहाँ पर टोटल 5 बंदे बचे हुए थे। मैं कंफ्यूज था एनिमी कौन है सब्सक्राइबर कौन है, जो आ रहा था कूद रहा था, जो आ रहा था कूद रहा था। अब यहाँ पर 4 बंदे तो मेरे सामने थे, 3 वो 1 मैं, ठीक है। अब 5वां बंदा कहाँ है? 5वां बंदा 7 वाले घर में लेटा हुआ था, वो भी अपना ही सब्सक्राइबर था। तो यहाँ पर भाई भसड़ मच जाती है। अब होता क्या आप खुद देखो, मैं वॉइस ओवर यहाँ पर बंद करता हूँ। अब बीच वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, मैंने पहले सोचा था आप सबको दिखाऊंगा बट दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बात ही बहुत ज्यादा हुई हमारी। 3-4 मिनट तक अपनी बात चलती रही। अब सबसे पहले एक बंदा सामने आता है, बोलता है मुझे मार दो, गेम अप बोलते ऐसे करके कुछ नाम था बंदे का। एंड काफी प्यारे बंदे मिले थे यार। उसके बाद ये बंदा सामने आता है, बोलता है मुझे भी मार दो, गेम अब इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ। उसके बाद तीसरा बंदा जो था वो बोलता है मैं पेन फाइट करूंगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है पेन उठाने दो मुझे, पेन फाइट आप एंजॉय करो। पेन फाइट पेन फाइट पेन फाइट पेन फाइट मार भाई, हेलो मार भाई, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। मैं इधर हूँ, भाई इसको पारस भाई बहुत बड़ी। अब पेन फाइट में हम इस वाले बंदे को हरा देते हैं। अब बचा था आखिरी बंदा जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें किल दे दूंगा बट मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने इन सबको यही बोला था कि जिसकी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड बाहर निकल के मैंने चेक भी की बट किसी की रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई थी क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट लिस्ट पहले से ही फुल पड़ी थी। अब ये वाला बंदा मुझे पता क्या बोलता है, बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा गेम प्ले देखता हूँ एंड सिर्फ तुमसे टीम अप करने के लिए डेली सोलो खेलता हूँ। एंड आज मतलब मेरा सोलो खेलना सक्सेसफुली हो गया, मतलब क्योंकि आप मेरे मैच में आ गए, बंदा मुझे बोलता है। तो मैंने बोला यार थैंक यू यार, इतना प्यार करते हैं लोग तो यार दिल से खुशी तो होती है। अब इस वाले बंदे को भी यार बिग शाउट आउट है, जितने भी बंदे यहाँ पर थे सबको बिग शाउट आउट है, इनके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। बहुत मजा आता है जब ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं ना। अब इस वाले बंदे को भी हम मार देते हैं नेड़ से। एंड इस वाले मैच में अपना प्लस कितने का हुआ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब इस वाले मैच में अपना 23 का प्लस होता है 14 किल के साथ कॉन्कर लोबी में। एंड भाई भसड़ मचा दी थी इस वाले मैच में, तो मजा आ गया होगा आपको भी। एंड बैन होने की बात मैं क्यों कर रहा था वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि 5-6 बंदे मिलकर टीम अप कर रहे हैं। एक तरह से बीजीएमआई की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये टीम अप ही है, चाहे वो मेरे से मिलने आए मेरे सब्सक्राइबर है, बीजीएमआई टीम को तो नहीं पता ना। अब टीम अप वालों को भी बैन मिलता है आपको पता होगा, बट देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जो 5 बंदे मिले थे मुझे मैच के अंदर वो भी मुझे यही बोल रहे थे कि पारस भाई हम बैन तो नहीं हो जाएंगे, तुम्हारी आईडी तो नहीं बैन हो जाएगी, हम इतने सारे बंदे मिलके मतलब बातचीत कर रहे हैं लॉबी के अंदर एंड उसके बाद हम मिलके खेल रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, अगर हम मिलके हर मैच खेलेंगे तो पंगा होता है। अब तुम मिलने आए हो, तुम कूद रहे हो, मैं यूट्यूबर हूँ, तुम सब्सक्राइबर हो, तो ऐसे थोड़ी बैन देंगे, हम कोई गलत चीज़ थोड़ी कर रहे हैं। तो बाकी आप मेरे को बताओ मेरी आईडी बैन होगी या नहीं होगी इस रीज़न की वजह से, कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।